आज हमको सरप्राइज मिल गया। गाइस एक तो ना सफाई कितनी भी कर लो कितनी भी कर लो, लेकिन फिर भी ना हर दूसरे दिन गंदगी होती रहती है यार। इंसान कितनी सफाई करेगा। फैमिली सो वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो आज मेरा नहाना वाना बहुत लेट होने वाला है, सारे काम मेरे इधर उथल पुथल हो रहे हैं। सो वो इसलिए क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि मतलब टाइम से नाश्ता वाश्ता करके मैं निकल जाऊँगी अपना शॉपिंग करने के लिए, बट क्या है ना कि मैं कोमल को लेके जाऊँगी साथ में, तो थोड़ा सा मतलब एक होता ना कि एक से पहले दो हो जाते हैं तो थोड़ा अच्छे से सामान ले लेते हैं, तो जाऊंगी उसी को लेके। पर वो थोड़ा 2-3 घंटे बिजी है, वो बोल रही 4 बजे करीब चलेंगे, तो मैंने सोचा कि 4 बजे जाएंगे ना तो फिर पूरे मेरे पूरे काम छूट जाएंगे, ना मेरा वर्कआउट हो पाएगा ना मेरी घर की साफ़ सफाई होगी, और कल से नवरात्रि चालू है तो साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। सो बस मेरा नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है, अब जा रही हूँ। पहले मैं अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर लेती हूँ, रूम जाले वाले मार लेती हूँ, फ्रिज भी साफ़ करना है, वो भी सब करना है, एंड उसके बाद फिर मैं करूँगी वर्कआउट। हालांकि तो फिर मैं कोई टाइम टेबल होता नहीं है वर्कआउट का, लेकिन वही उतना स्किप करने से बेहतर है क्योंकि मैं अब छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। सो अभी बस जाती हूँ, सफाई कर लेती हूँ, फिर वर्कआउट करूँगी, एंड उसके बाद फिर जाएंगे 4 बजे के आसपास मार्केट, क्योंकि मम्मी की साड़ी लेनी है, वहीं से पूरा मतलब मम्मी की पूरी तैयारी करनी है मुझे यहीं से, और फिर देखते हैं क्या क्या और ले सकते हैं जैसे भी है। और एकदम से तो आज हो नहीं पाएगा, मेन है मतलब साड़ी लाना, क्योंकि मम्मी का ब्लाउज भी सिलवाना है मुझे, तो ब्लाउज सिलने में टाइम लगता है, मेकअप तो अगर आज नहीं भी आएगा तो 2-3 दिन के बाद भी ले लूँगा, तो एक दिन का काम है, फटाक से हो जाएगा, तो मेन है कपड़े लाना। देख ली तो गाइस एक तो ना सफाई कितनी भी कर लो लेकिन फिर भी ना हर दूसरे दिन गंदगी होती रहती है यार। इंसान कितनी सफाई करेगा, बड़ी दिक्कत है। मैं इसकी वैल्यू मुझे पहली बार पता चली, अभी नहीं बता सकती मैं। ये मैंने पूरा अपना यहाँ पे इयर रिंग का पूरा सेट कर दिया, यहाँ पे आप पूरा कर लेते हैं, बहुत है मतलब अंदर जाने कहाँ से पड़ जाते हैं समझ में नहीं आता मुझे। सो गाइस अभी हम जाने लगे हैं नटराज मार्केट, क्योंकि माता रानी का भी सामान लेके आना है और मुझे मम्मी के लिए सामान लेके आना है, तो देखते हैं वहाँ पे मिल पाता कि नहीं मिल पाता सारा सामान जितनी भी हमें ज़रूरत है, देखते हैं। तो चलो लेट्स गो। मैं आ गई हूँ अभी साड़ी देखने के लिए, अभी देख ही रही हूँ और अभी बस देखते हैं क्या लेते हैं। मुझे हालांकि हल्के में ये वाली भी अच्छी लग रही है, बट ये नहीं लूँगी। तो भाई थोड़ा सा सामान लेके आ गई हूँ, मतलब बस मम्मी की साड़ी लिया है और कुछ भी नहीं लिया है, सोचा था बहुत मतलब कुछ कुछ चीज़ें ले लूँगी, तैयारी कर लूँगी साड़ी के पूरा, लेकिन इतना क्राउड है, आप देख ही रहे हो पीछे कितना क्राउड है, ये तो कुछ भी नहीं है और ज़्यादा था, मैं छोड़ के आ गई, मैं किसी और दिन आऊँगी पूरी तैयारी करने के लिए, नहीं तो चूड़ी वूड़ी का सेट सोचा था, देख रही थी मैं तो सांस नहीं आ रही इतनी गर्मी, इतने लोग, इतना क्राउड, बाप रे, ऐसा लग रहा है फ्री में माल बट रहा है यहाँ पे। कोमल कहीं और रहेगी, मैं कहीं और रहेगी, बस ऐसी रह गया। सो बस अभी जाऊँगी मैं तो माता रानी के घर के पास में शॉप है, वहाँ से ले लूँगी, यहाँ से बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही बाबा लेने की, खतरनाक। सो अब आ गई हूँ यहाँ पे मैं पूजा का सामान लेने के लिए, वहाँ से नहीं लिया था, सामान ले लेते हैं। बाप रे इधर भी भीड़ है बट इतनी नहीं है। सो गाइस ये है गोबर का कंडी, है तो शायद वही नहीं, कंडे तो पूरे ये कलर के होते हैं, मिट्टी के कलर। ये 3 दे दो मेरे, मुझे भी दे दो भैया। आंटी जी आप कोयला भी रखते हो क्या चाचा? बस आपको कैसे दिए? 3 जरा ये अब ये है और ये पूरा। मैं घर पे आ गई हूँ पूरा मार्केट से घूम घाम के, मैंने बाहर ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि
बहुत 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 ज्यादा भीड़ थी सब जगह पे। डी मार्ट भी गई थी, वहां का भी शूट नहीं किया, फिर दूसरी जगह पे गई थी, वहां का भी शूट नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल भी एक होता ना कि सामान मुश्किल से मिल रहा था हम लोगों को, सोचो। इसलिए फिर मैं फटाक से बस सामान ले ले लेके बस भाग के आ गई। और आज हमको सरप्राइज मिल गया, मुझे मिला है सामने से। हालांकि मतलब वो तो हमारी ये है कि हमने अपना प्लान फेल कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं बताती हूँ, इसलिए बता देती हूँ। हंसी आ रही है, पता मुझे नहीं पता होता कि मुझे कब सरप्राइज मिल सकते हैं। गाइज एक्चुअली मैं ना आज बाहर जाने वाली थी, ठीक है, और आज दो जगह से इनविटेशन आए थे। निकिता ने बुलाया था, क्योंकि निकिता की बहन आई हुई है, उन्होंने बुलाया हुआ था। और फिर घर पे आके बोलती है रूम में आके, सुनना मैंने खाना बनाया है। हाँ नहीं तो और फिर मुझे ही सरप्राइज मिला। लेकिन देखो ना, हमने अपना प्लान चेंज कर दिया ना फिर। सही है। आज तिकोने पराठे, मेरे को नहीं आता ऐसा वाला पराठा बनाना। नहीं आता। चल मैं देखूंगी कैसे बना रही हो तुम। मैं वो वाला बना दी जो पूरा तिकोने की जगह पे कुछ और ही तिकोना हो जाता है। सो गाइस, इसने बनाई है यहाँ पे पनीर की सब्जी। मैं वैसे भी बाहर जाके यही खाती, और क्या ही खाती। हाँ पनीर ही खाती, घर भी पनीर मिल गया, और क्या चाहिए इंसान को। चलो धन्यवाद मैडम, कल से नवरात्रि है, हैप्पी नवरात्रि। सो गाइस, मैं भी हो गई हूँ फ्री, और काफी मतलब नींद आ रही है मुझे, मतलब इतनी हिम्मत नहीं हो रही मेरी कि मैं ब्लॉग एंड करके ब्लॉग एडिट भी कर दूँ, इतनी सी हिम्मत नहीं हो रही मेरी। पर मैं एडिट तो भी करूँगी, क्योंकि सुबह इतने सारे काम हो जाएंगे, मंदिर भी साफ करना है और पूजा पाठ भी करना है, तो टाइम लग जाएगा काफ़ी चीज़ों में। सो इसीलिए भी करूँगी, लेकिन मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है सच में। मतलब जब से सुबह से उठी हूँ ना, तब से एक सेकंड के लिए बैठने के लिए टाइम नहीं मिला मुझे, क्योंकि पूरे घर की सफाई किया, फिर मार्केट गई शॉपिंग के लिए, फिर पूजा का सामान लेने का, दो तीन जगह गई थी तब जाके सामान पूरा हो पाया है। अभी तो सुबह जाना पड़ेगा फूल वूल लेने के लिए। सो बस टायर्ड, और बस जाती हूँ, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। और आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी नवरात्रि, आप सभी को माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करें। सो बस गुड नाइट, टेक केयर।